यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यशायाह अध्याय 52। हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठकर विराजमान हो। हे सियोन की बंदी पुत्री, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहोवा तो यो कहता है कि तुम जो सेंटमेंट बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। फिर प्रभु यहोवा यो भी कहता है कि मेरी प्रजा जो पहले पहल मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया, अब यहोवा की यह वाणी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ जबकि मेरी प्रजा सेंटमेंट हर ली गई है। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा दिन भर लगातार होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें कहता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं वही हूँ। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है और शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ संदेश, शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है और सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे बहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौटाएगा। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देख रहे हैं। दूर हो, दूर हो, वहां से निकल आओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल आओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उन उतावली से निकलना और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इसराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग तुझे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेगी, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुना भी न था।